बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागू दो चरण को धनियन छुड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन किया तीनों गिरो का बेवरा शरियत तरीकत हकीकत हुक्म हुआ मोहम्मद को कर तीनों को हिदायत कर तीनों को हिदायत हकीकत सो समझावना हकीकत को समझावना। आप अक्षरति धाम के धनी इस खुलासा किताब के अंदर खुलासा कर रहे हैं। खुलासा का मतलब क्या होता है? अस्पष्टीकरण। दो किताबें हैं, एक सनंद और एक खुलासा। सनंद में दो बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा थी भाषा की, तो उसका स्पष्टीकरण करके सनंद में रख दिया, अपनी मुहर लगा दी। खुलासा किताब में सबका स्पष्टीकरण है, किसी का बाकी नहीं है। खुलासा का मतलब ही होता है स्पष्टीकरण, जिसमें कुछ भी नहीं बाकी हो, सबको जैसा है वैसा ही कह करके बता करके समझा करके उसको बता दिया जाए। परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ईश्वरी सृष्टियों के लिए, जीव सृष्टियों के लिए सनंद किताब के अंदर आया है। खंडनी कर खीजिए जागे नहीं इन भात दीजिए आप वो लखाए के वो साख दवाए साक्षात। इसकी चर्चा पूज्य राजन स्वामी जी आपको करके अच्छी तरह से समझा दिए। अगर मान लीजिए हम दिल्ली के अंदर औरंगजेब के अंदर बैठी हुई साकुमार बाई का खंडन करते, तो बिना खंडन किए हुए तो 8 महीना युद्ध करने की स्थिति बनी और गति क्या हुई? साक्षात अक्षरातीत थे, लीला कर रहे थे मेरा ठाकुर के दिल में बैठ के, पर 8 महीना युद्ध करने के बाद भी साकुमार को जगा पाए नहीं? जगा पाए, दर्शन दे दिए, दर्शन हो गया, रूहों का दर्शन भी हो गया, लेकिन उनको जगा पाए नहीं। अगर खंडनी करते तो और क्या होता? बिना खंडनी किए तो हमारी खलड़ी उतारी गई। अगर उस समय हम खंडनी कर देते तो क्या स्थिति बनती? इसलिए वहां सनंद किताब में समझाया गया कि भाई किसी की खंडनी मत कीजिए, अपने प्यारे शब्दों में, अपने प्यारे जो है वचनों से उनको जो है प्यारी प्यारी मीठी जुबान से उनको समझाइए। पर खुलासा ग्रंथ में जब आते हैं तो कह रहे हैं कि ना है। 3 सृष्टियां हैं, एक सृष्टि है जीव सृष्टि, एक सृष्टि है ईश्वरी सृष्टि, एक सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि। तो हमें तीनों को हिदायत करना है, हमें तीनों को शिक्षा देनी है, तीनों को समझाना है, पर तीनों को 3 लोक में ले जाना है और तीनों के पास 3 तरह से 3 प्रकार की बुद्धि है और तीनों के 3 धनी हैं। तो क्या ब्रह्म सृष्टि को हम मायावी बुद्धि से या लौकिक ज्ञान से समझा करके परमधाम ले जा सकते हैं? असंभव है, नहीं जा सकती। इसलिए कह रहे हैं हकीकत को समझावना। जो परमधाम के ब्रह्म सृष्टि हैं, जो परमधाम के सुंदर साथ हैं, उनके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनकी खंडनी नहीं करनी है, उनको लाड से प्यार से जैसे एक प्रेमिका को एक प्रेमी केवल तिरछी नजर से एक बार आंख हिला दिया फिर वो जहां के तहां दोनों चले गए।
कोई रोकने वाला नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी जाहिल को आप आंख के संकेत से चाहते हैं कि मंजिल तक पहुंचा दें, तो कभी भी पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि वो जाहिल है। उसके दिल के ऊपर जो है अबलीस की बैठक है, अबलीस उसको जो है राह भटका रहा है, वो प्रेत है, इसलिए वो कभी भी अब उस मंजिल को, जिस मंजिल को आप ले जाना चाहते हैं, वो नहीं जाएगा। इसलिए जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके लिए केवल परम धाम का रास्ता एक बार बता करके, एक बार तारतम कर दीजिए। तारतम माने, तारतम माने तो आपने कई अर्थ लगा चुके हैं, कई भावार्थ भी लगा चुके हैं। मैं अपने दिल से सोचता हूं कि तार क्या होता है, देख रहे हैं ये तार है। अतम माने अंधकार, माने अंधकार में से प्रकाश के तरफ उसको जोड़ दो और उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो उसका काम हो गया। पर धनी क्या करते हैं, तार तम तो देते हैं, तार को जोड़ते तो हैं, तार को जोड़ने के बाद फिर जो है विद्युत विक्षेप कर देते हैं, कनेक्शन को काट देते हैं। और जब कनेक्शन को काट देते हैं तो पेनाल्टी मांगते हैं, भाई तुम्हारा विद्युत विक्षेपण हो गया है, आप पेनाल्टी दीजिए। आप पेनाल्टी कहां से लावे, पेनाल्टी तो हमारे पास है नहीं। तो कहते हैं कि भाई यहां मैंने तुमको एक पेनाल्टी दिया है, विरह की, लाओ विरह, तड़फो, जितना तड़फना है तड़फो। अब तड़पते तड़पते जब पेनाल्टी जमा हो जाती है तो उसके कनेक्शन जोड़ देते हैं, अब दूसरे का कनेक्शन काट देते हैं कि भाई तेरा विद्युत विक्षेपण हो गया, अब तू अपना जो है पेनाल्टी जमा कर। अब वो बिचारी तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, अब मेरा कनेक्शन कब जुड़ेगा, मेरा कनेक्शन कब जुड़ेगा। इस तरह से रूहों के साथ तो कनेक्शन का विच्छेदन और जो है कनेक्शन का जोड़ना धनी करते हैं, और श्रृंगार में जाके कह देते हैं कि देखो भाई मैं क्या करूं, हुक्मे प्याला पिलावही सो संजमे संजमे। कह रहे हैं कि मैं जो है पूरे अपने इश्क का प्याला तुम्हें इसलिए नहीं पिला रहा हूं कि जो तुम जहां बैठी हो ना वो कांच का कुप्पा है, वो टूट जाएगा। अरे भाई कांच का कुप्पा है टूट जाएगा, इससे आपकी क्या जिम्मेदारी, आप दे क्यों नहीं देते। जो चीज आप परम धाम में हमसे छीन लिया, क्या क्या छीना आपने, एक तो हमारा प्रेम छीना, एक तो हमारा आनंद छीना, एक तो हमारे जो है जवानी को छीनी, एक तो हमारी सुगंधी को छीनी, एक तो हमारे पावर को छीना। आपने दिया क्या यहां, क्या आप यहां हमको इश्क दे रहे हैं, क्या आप हमको यहां आनंद दे रहे हैं, क्या अस्थाई रूप से हमारे पास यहां जवानी है, क्या हमारे पास परम धाम की सुगंधी है। सब तो अपने हाथ में आपने रख रखा है, इसलिए हमें वाद्य होकर के कहना पड़ता है, हम तो हाथ, बोलो बोलो बोलो, ये तो चौपाई सबको यार, हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ, हाँ उसको भी अपने हाथ में बांध रखा है कि मेरी जो इच्छा होगी वही तुम्हें करना होगा। ये इच्छा मैं परातम में डालूंगा और वो जाएगी आत्म में, फिर हम हुक्म के अधीन, उनके इच्छा के अधीन हो गए। लड़ाई भी नहीं लड़ लग सकते, लड़े तो तोड़े जाए, नहीं लड़ सकते, हमारे पास क्षमता ही नहीं है। इसलिए इंद्रावती ने कह दिया, हारिया 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 हूं कहूं केटली। बस यही आपको अच्छा लगता है ना, हराना ही चाहते हैं ना, तो हराए लो, पर हम हारेंगे तो तुम भी हारोगे। अगर रानी हार जाती है तो राजा की भी हार है, ये मत कह देना कि मेरी हार नहीं है। अगर रानी को दुख होता है तो राजा को भी दुख होगा, भरे वो मुंह पर उसके जो है झुर्रिया न आवे, अपना चमकता हुआ चेहरा दिखावे, पर उसकी भी हार है, हार है, हार है। इसलिए समझाना है तो कह रहे हैं कि हकीकत को समझाना, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके समझाने का एक ही तरीका है, क्या है,
समझे शरत सो मुमीन। कैसे समझेंगी? बस इशारा कर दिया। मैंने बताया आपको ना कि कोई प्रेमिका जो है हजार के मेले में खड़ी है और सामने प्रेमी खड़ा है, एक बार उन्होंने तिरछी नजर कर दिया, भाई वहां से निकल जाओ, तो सीधे निकल जाएगी, कोई उसको रोक पाएगा नहीं। पर जरा तिरछी नजर तो करो, तिरछी नजर तो तुमसे होती नहीं। और बातें लंबी लंबी हमसे आकर के माया में वाणी में कहते हो, आपने हमको वाणी दिया है, अपने दिल का राज दिया है, अपने दिल का खुलासा कर दिया है, अब आप कितना छिप करके क्या करोगे, कहाँ जाओगे? पर ये तो उनके लिए है जो कटोरा लेके भीख मांगती हैं, उनके लिए कि भाई मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। पर आप जब पुराण संहिता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भिखारी कौन है, हम हैं कि राज्य। जब राधिका को छोड़ करके चले जाते हैं बिरजा के महल में, तो राधिका क्या कहती है, कितने कड़वे शब्दों में बोलती है, अरे धुतारा तू तो भिखारी है। किसका भिखारी है? प्रेम का भिखारी है। यहाँ नहीं पाता है तो वहां प्रेम का जो है हाथ फैलाता है, यहाँ नहीं पाता है तो वहां हाथ फैलाता है। और तुम बिरजा के घर में गया है, इसलिए अगर दावा करना है और प्रेम करना है तो दिखावटी रूप से नहीं, दिल से करो ना। और एक बार उसकी तिरछी नजरों को देखो ना, तुम मेले से निकल जाओगे। ये तुम्हारे पास अपनी ताकत है, अपने प्रेम की ताकत है। पर जरा तिरछी नजरों से एक बार धनी प्रेम दे करके तो देखो। तुम छीन करके बलवान बनना चाहते हो, दे करके तो देखो। ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपनो, मारो यही सो मुद्दाए। पर आप देते नहीं, बस कहते हो कि संजमे संजमे पिला रहे हैं, तो भाई पिला दे जाओ, पिलाए जाओ। इच्छा तुम्हारी है, हुकुम तुम्हारा है, मेहर तुम्हारी है, सब कुछ तो तुम्हारा है, यहाँ तो हमारा कुछ है ही नहीं। तब तो आप बलवान बनते ही रहोगे। अब आओ दूसरे को कैसे समझाना है, ये तो रही पहले की समझाने की बात ब्रह्म सृष्टियों को। अब जो है दूसरे नंबर की है ईश्वरी सृष्टि, उनको कैसे समझाना है? वो समझेंगे मीठी जुबान से। उनको आपको जो है ये वाणी देना पड़ेगा, और वाणी के जो है बार बार, एक बार नहीं हजारों बार पाठ कराओ, हजारों बार पारायण कराओ, और बार बार उनको मंथन कराओ। ब्रह्म सृष्टि तो एक बार मथ लिया तो तुम दुल्हा, बोलो तुम दुल्हा, मैं दुल्हीन, और न जानू बात, और इश्क सो सेवा करूं सब अंगों संछात। ब्रह्म सृष्टि तो एक बार मथ लिया तो दूसरे बार उस दही को मथने की जरूरत नहीं है, और बार बार जो है 25-27 वर्ष से चर्चा सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार सुन लिया धनी के मुखारविंद से तो उसका काम हो गया। और जो है ईश्वरी सृष्टि है तो उसको बार बार सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको ज्ञान देना पड़ेगा, हक सूरत दृढ़ कर दई। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी, बस एक बार उसने सुन लिया, तो मैंने चौपाई आपको पहले ही बोल दी कि उसके सूरत को, उसके स्वरूप को, उसके श्रृंगार को अपने दिल में बैठा ली, और एक बार जब बैठ गया तो फिर वो निकलने वाला नहीं है। एक तो बैठने में देरी करता है, और जब बैठ जाता है तो फिर कभी निकलता नहीं है। तो उसके सिंगार को, उसके स्वरूप को एक बार दिल में बैठा लो, फिर हो गया काम। पर ईश्वरी सृष्टि ये काम नहीं कर पाएगी। उससे जो है कभी भी वो दिल में, लाख बरस तक वो चितौनी करते रहे, लाख बरस तक जीव सृष्टि चितौनी करते रहे, पर राज्य का स्वरूप और श्रृंगार उसको बैठाने में जो सुविधा ब्रह्म सृष्टि को है, वो सुविधा ईश्वरी सृष्टि को नहीं है। वो सुविधा जो है जीव सृष्टि को नहीं है। वो तो करते 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 जीवन जो है अपना बिता देगी, पर फायदा तो अवश्य मिलेगा, फायदा तो अवश्य मिलेगा। अगर ईश्वरी सृष्टि बसाती है अपने दिल में तो जहाँ उसका घर है उस घर में तो अवश्य जाएगी, लेकिन परम धाम के मार्फत का और परम धाम के हकीकत का जो वास्तविक जो है दिल का राज है, वो उसके हक में नहीं है, उसका दोष भी नहीं है।
उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि उसका घर, उसका मकान और उसका धनी और उसकी अकल जो है उसके मुताबिक उसको लाभ मिलना है। तब दिल अर्श हुआ वतन, तो ब्रह्म सृष्टि का दिल तो क्या हो जाएगा, वतन। क्या ईश्वरीय सृष्टि का दिल भी वतन हो जाएगा? कहीं बाड़ी में चौपाई महाराज जी ने कहा है कि मैंने जीवों के दिल को अपना घर बनाया या ईश्वरीय सृष्टियों के दिल को घर बनाया? क्या बनाया? ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलु। ब्रह्म सृष्टियों के दिल को घर बनाया, पर हम यहाँ उंगली उठा के ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि माया के जगत में है, इसलिए कभी नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरीय सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है, क्योंकि संसार की मर्यादा के अनुकूल जो है मर्यादा निभाना पड़ता है। तो धाम धनी अपनी मर्यादा भी निभाते हैं, क्योंकि परम धाम में कोई मर्यादा चलती है? मर्यादा कोई है? कोई नीति परम धाम में? कोई नीति है? कोई मर्यादा है? उसी मर्यादा को दिखाने के लिए उन्होंने ला दिया। उनकी मर्यादा क्या है? पावर, सत्ता। सत्ता दिखाने के लिए लाए। दो तरह की सत्ता है, एक तो उनके जो हकीकत की सत्ता है और एक उनके मार्फत की सत्ता है। मार्फत की सत्ता को प्रेम कहते हैं, हकीकत की सत्ता को जो है साहेब कहते हैं। जो उनकी साहेबी थी वो हमें पता नहीं थी, उस साहेबी को ही दिखाने के लिए, अपने हकीकत की सत्ता को दिखाने के लिए हमें ला दिया और हमारा प्रेम छीन लिया। और हमें जो है दावा कर रहे हैं कि लाओ प्यार, कहाँ से लाने है? यहाँ पर माया में लाया है आपने प्यार? आप 100 बार चौपाइयों में कहते हो कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम के मानवा बाधे जमपुर जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह है कोई, आठो पहर भी ना रहे प्रेम कहावे। कहां से लावे? क्या इस जो है माया के जगत में कहीं प्रेम है? श्रद्धा है, स्नेह है, लगाव है, पर माया के अंदर प्रेम नहीं है। तो उत्तर क्या दे रहे हैं? अब हुक्मे दरवाजा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन अर्ज करके आए के बैठे खसम। अरे भाई, मैंने प्रेम का दरवाजा खोल दिया है। दरवाजा तो खोल दिए हैं, किवाड़ तो आपने खोल दिया, पर आप देव तो? किवाड़ खोलने से मेरी आंख पर तो पट्टी लगी हुई है माया की, मैं कैसे अंदर प्रवेश करूं? पट्टी हटाते नहीं और कह रहे हो कि दरवाजा मैंने खोल दिया है। दरवाजा अगर खोल दिया है तो आप अपना प्रेम दे दो, तब देखो हमारा फिर ये माया के अंदर भी। लेकिन आप अपना प्रेम तो देते नहीं और कहते हो कि संजमे संजमे पिला में, धीरे धीरे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा देता हूँ। कैसे? जैसे एक माँ के स्तन में दूध नहीं होता है तो माँ मार्केट में जाती है और मार्केट से एक बनावटी जो है स्तन ले आती है और उसमें दूध भर देती है और बच्चे के मुँह में डाल देती है। बच्चा क्या समझता है कि माँ के स्तन से मीठा मीठा दूध मैं पी रहा हूं, पर वो बनावटी है। असल स्तन नहीं है, वो बनावटी है। इस तरह से आप माया के अंदर हमें जो है संजमे समय थोड़ा थोड़ा जो है हमको प्रेम का रस पिलाते हैं। पूरा तो आप अपना रस देते नहीं है और कहे जाते हैं रास के, बोलो रास के रमैया, प्रेम के सागर, इश्क के सागर। जब सागर हो तो बूंद भी तो दे दो, एक सागर हो तो बूंद भी तो दे दो। आप बूंद भी नहीं देते और उधर जो है माया में तड़फा तड़फा के, तड़फा तड़ाप के, विरह में तड़फो, विरह में तड़फो। अब तड़फा तड़फा करके कनेक्शन काटना, कनेक्शन जोड़ना, पेनाल्टी लेना, कनेक्शन जोड़ना, पेनाल्टी लेना, ये आपकी लीला 400 वर्ष से चल रही है। वो मोमिन बिचारे क्या करें, ऐसे अतीम हो गए हैं कि भिखारी के तरह हाथ जोड़ करके भीख मांगते फिरते हैं कि भाई इश्क दो, इश्क दो, इश्क दो। क्या मांगने से कोई वस्तु मिलती है? जो मांगता है, मांगने वाला कभी भी नहीं पाता है। जो है दाता है वो ऑटोमेटिक अपने आप देता है। तो देने वाला तो जो है नाटक कर रहा है और मांगने वाले बिचारे जो है इश्क मांग रहे हैं, हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं। क्या राजा की रानी राजा के सामने हाथ जोड़ती है? क्या भिखारिन बनती है?
कि थाली में खाना आ गया तो साथ में बैठ करके खाएगी, और नहीं तो एक थप्पड़ गले चटाका लगाएगी गाल में, तब भी राजा को भाई अच्छा है, प्यार कर रही है, तब भी अच्छा लगेगा उसको। पर इतना तो जो है पावर और शक्ति भी तो होने चाहिए। इसलिए परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को समझाने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। परिश्रम किसके साथ करना है? या तो ईश्वरी सृष्टि के साथ, या तो और आगे आएगा और रह जो तरीकत, जिनका तरीकत का रास्ता है, उपासना करना है, पाठ रखना है, पारायण करना है, परिक्रमा की दौड़ मारनी है, उनके लिए जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, मीठी मीठी जुबान बोलनी पड़ेगी। एक बार नहीं समझेगी, दो बार नहीं समझेगी, चार बार नहीं समझेगी, तो उनको समझाना पड़ेगा। उनके लिए जो है हमें नाना प्रकार के दृष्टांत भी देने पड़ेंगे। अगर सीधे नहीं समझेंगे तो दृष्टांत से समझेंगे। गिरो फरिश्तो बंदगी, क्योंकि उनका स्थान कहाँ है? योग माया के ब्रह्मांड से अवतरित हुई है। उसका धनी कौन है? अक्षरातीत, अक्षरातीत है? उनका धनी कौन है? अक्षर है। और हमारा धनी कौन है? अक्षरातीत। पर फर्क तो कहने के लिए है, वास्तविकता में फर्क तो नहीं है, पर कहने के लिए तो फर्क ही है कि उनका धनी अक्षर है और हमारा धनी अक्षरातीत है। हमारा धनी प्रेम और आनंद का सागर है और उनका धनी सत्ता का सागर है। इसलिए जिसके पास सत्ता है उसके पास प्रेम नहीं, और जिसके पास प्रेम है उसके पास सत्ता नहीं है। सो समझे मीठी जुबान सो, उनको मीठी जुबान से समझाना पड़ेगा। समझ पहुंचे जब रुत, जहाँ उनका स्थान है अपने योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगी, आगे जाने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी गिरो सरियत से, अब आइए, मैंने कहा था ना कि सनंद किताब में कहा है कि खंड नहीं कर कीजिए जागे नहीं भात, दीजिए आप ओल खाए क्यों साग दगाए साक्षात। ते एक ही बाणी तो दो भाषा तो नहीं बोल सकती, दो बातें तो नहीं कर सकती, पर वाणी में कभी भी भूल चूक नहीं हो सकती, क्योंकि वाणी अक्षरातीत की है। जब सनंद किताब में समझाना है तो उसका भी कारण है, और जब खुलासा स्पष्टीकरण करना है तो यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो जीव सृष्टि है उसके अंदर बैठक किसकी है? प्रेत की। किसकी बैठक है? दज्जाल की। जब उसके अंदर दज्जाल बैठा है, तो जब दज्जाल बैठा होगा तो वो क्या करेगी? जिद करेगी, लड़ाई करेगी, झगड़े करेगी, तो उसके साथ अब हम क्या करेंगे? परम धाम में तो हमारे पास लड़ाई करने का और झगड़ा करने का कोई हथियार तो है ही नहीं है। एक छोटी सी झगड़ा कर दी तो इतनी रकड़ पट्टी हो गई, अब झगड़ा कर देंगी तो अब कहाँ जाएंगी? तो हमारे पास तो झगड़ा करने का कोई साधन है नहीं, पर उनसे करना भी कैसे है? तो क्या कह रहे हैं? जो करसी जहल जिदाल, क्या करेगी? करसी जहल जिदाल, वो जिद करेगी। उसको आप जो है जगाने के लिए जाएंगे, बाणी सुनाएंगे, तारतम देंगे, सब कुछ करेंगे, पर उसके जो है अंदर वो घूट एक भी जाएगा नहीं। पर पिलाना है, क्योंकि आप आए हैं, दावा कर रहे हैं ना। क्या दावा कर रहे हैं? मोहे दिल में आया ये जो देखिया ब्रह्मांड, तो क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करें। ये तो आपके मजे की बात है ना। आए हो दुनिया को भव सागर से पार करने के लिए, और हमारे कनेक्शन काटते हो, और फिर हमारा जो है विच्छेद करते हो, और फिर जो है पेनाल्टी लेते हो, फिर जोड़ते हो, फिर पेनाल्टी लेते हो, फिर जोड़ते हो, और फायदा किसको है? हंस क्यों रहे हैं आप लोग? भाई मैं कुछ दूसरा तो नहीं बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं, सही बोल रहा हूं। फायदा किसको है? जीव सृष्टि को। जब कभी भी जो है ना आप दुनिया में आए थे, ना आपका ज्ञान आया था, ना आपकी वाणी आई थी, ना आपके ये मीठे मीठे वचन वचन आए थे, तो अनादि काल से ये दुनिया कभी भी भव सागर से पार हुई थी
नहीं, फायदा देना है दुनिया को, जीवों को, भाव सागर से पार करना है दुनिया को, जीवों को। तो बहाना बना लिए एक इश्क रबत का और डाल दिए हमारे ख्याल को माया में, उस ख्याल के कारण आप भी आए, और आप भी आए तो ये वाणी का ज्ञान लाए, इस ज्ञान से इनको भाव सागर से पार करना है। और जब ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार, आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार, आपका विरोध करने के लिए तैयार। इसलिए उनको इसी हिसाब से समझाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाणी कह रही है। सो समझेंगे जिदैल सो, क्या लिखा है भाई? सो समझेंगे जिद्दै सो, उनके साथ जिद करना पड़ेगा, उनको समझाने के लिए नाना प्रकार के तरीके अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो भाव सागर से पार होंगे। नहीं तो सरकार श्री की वही एक दृष्टांत को मुझे आपके सामने रखना पड़ रहा है कि विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई विष्णु भगवान, आप किसी को स्वर्ग में लाना नहीं चाहते। विष्णु भगवान ने कहा भाई मैं लाना तो चाहता हूं पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। गलत है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता दूं कि मान जाओगी इसे का नहीं, प्रैक्टिकल करके बताइए। तब जो है विष्णु भगवान जो है आते हैं मृत्यु लोक में, एक बुजुर्ग थे अपने घर में, उनके पास गए, कहें कि भाई देखिए ब्राह्मण का भेष बनाए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूँ। तो उन्हें कहा कि भाई बात तो आपकी पंडित जी ठीक है, मैं वैकुंठ चलने के लिए तो तैयार हूँ, पर क्या है कि हमारे जो है बेटा का बेटा हुआ है, अब वो धीरे धीरे जो है सयाना हो गया है, उसकी शादी होने वाली है, अगर उसकी शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी ना, तो हम आइएगा, हम चल चलेंगे। विष्णु भगवान ने फिर जो है लक्ष्मी जी को लेकर के वापिस गए, और कुछ दिन के बाद फिर वापिस लौटते हैं, फिर जो है उसकी शादी हो गई, कह रहे हैं भाई अब चलना है वैकुंठ की नहीं चलना है, का जाना तो है वैकुंठ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शादी हो गई है, एक बच्चा आ जाए तो फिर हम जो है चल चलेंगे। अब इसी बीच में बच्चा तो आया पर उम्र तो हो ही गई थी, अब शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, तो वहीं पर एक जो है कुतिया बिचारी गर्भवती थी, उसके गर्भ में इनको जाना पड़ा, और जो है एक पिल्ला बनके कुत्ता बनकर इनका जन्म हुआ। अब ख्याल तो वही था, सुरता वही थी, धन का लोभ और बेटी बेटा पोती पोता का जो है लोभ तो वही था, माया वही थी, वही दरवाजे पर बैठ करके अपना पहरा दिया करते थे। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जी अब क्या होगा, जिसको हम वैकुंठ लाने के लिए गए थे ना, अब उनकी जोनी तो बदल गई है, तो ये काम करें कि हम दोनों चलते हैं पर भाषा हमें बदलनी पड़ेगी, भेष बदलना पड़ेगा, वो कुत्ते की जोनी में चले गए हैं। अब आते हैं भेष बदल के, कहते हैं कि भगवान अब क्या राय है, अब जो है चलना है कि वैकुंठ नहीं चलना है? कह रहे हैं कि चलना तो है पर क्या करें, आपको पता है ये जो हमारे परिवार वाले हैं ना, जो पहले का नाता है ना, घर बार जो है ना, ये बेचारे रात को सो जाते हैं, तो हम चोर के डर से कि कहीं चोर अंदर घुस ना जाए, इसलिए दरवाजे पर पहरा दिया करता हूँ। अब देखें कुछ दिन के बाद आइएगा तो हम फिर आपके साथ चलेंगे। कुछ दिन समय बीता, आपको पता है कि कुत्ते की जोनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है, 6, 7, 8, 4 में खत्म हो जाती है। समय बीत गया, कुत्ता की जोनी भी बदल गई, और बदलने के बाद जा करके नाली में कीड़ा बन गए। अब विष्णु भगवान जो है लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी जी, जो भगत जी थे ना, अब उनकी वो भी जोनी बदल गई है, अब कुत्ता से जो है वो नाली के कीड़ा में चले गए हैं, तो वहाँ भी मुझे जा करके भेष बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि विष्णु भगवान को जो है हमेशा अवतार अन्य जोनियों में भी लेना पड़ता है। कभी उनका 12 अवतार हुआ था, आपको मालूम है, कोई राक्षस नाली में घुस गया था, उन्हें के लिए 12 अवतार धारण किए थे, सुअर का अवतार धारण किए थे। तो अब जो है नाली के कीड़ा बने हैं, तो उसी हिसाब से उसी भाषा से आना पड़ेगा। अब आ करके कहते हैं, कहिए भाई भगत जी, चलना है कि नहीं चलना है वैकुंठ? कह रहे हैं कि बताइए, इतना बड़ा संसार है, आप किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, हमारे ही पीछे हाथ धो करके क्यों पड़ गए?
क्या हम ही एक ही बचे हैं वैकुंठ जाने के लिए? अरे भाई, हम जहाँ है ना वहाँ बहुत शांति से हैं, बहुत अच्छे से हैं। यही हाल ये है जीव सृष्टि की हाल। उस जीव सृष्टि को आप तारतम ज्ञान दे करके, ये वाणी सुना करके भव सागर से पार करना चाहते हैं तो उसके लिए विष्णु भगवान जैसी जिद भी करनी पड़ेगी। शायद समय इजाजत नहीं दे रहा है, अब क्षमा करना आप लोग, फिर जो है समय आएगा तो देखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीसरी गिरो सरियत से, तीसरी गिरो सरियत से, जो करसी जेल जिदाल, जो करसी जेल जिदाल, सो समझेंगे जिद्दे सो, सो समझेंगे जिद्दे सो, क्या करे पड़े बंध दज्जाल, क्या करे पड़े बंध दज्जाल, क्या करे पड़े बंध दजाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।